हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। होप यू डूइंग गुड। सो कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया। एंड आज मैं आपके लिए कार लेके आ गया हूँ, हुंडई एक्स्टर। जी हाँ दोस्तों, ये नई कार है हुंडई की तरफ से जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, होपफुली इसी मंथ के अंदर लॉन्च होगी। तो बात करेंगे इस कार के प्राइस के बारे में, एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसकी फीचर्स की, इंटीरियर्स की, एक्सटीरियर्स की, टॉप टू एंड बात करने वाले इस कार के बारे में। तो वीडियो तक बने रहिए और लास्ट तक देखिए वीडियो, एंड लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आती है, एंड शेयर कर देना उनके साथ जो कार परचेज करना चाहते हो विद इन बजट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रंट में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है स्प्लिट हेडलैम्प्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं, एंड DRLs इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। न्यू ग्रिल मिलती है हुंडई की तरफ से जो कि अभी तक किसी कार के अंदर नहीं आई है। न्यू फ्रंट एंड रेयर बम्पर मिलते हैं आपको, जो बम्पर है वो भी नए हैं, कम्प्लीटली नए हैं, जो कि अभी तक किसी कार में लॉन्च नहीं हुए हुंडई की तरफ से। अलॉय व्हील्स भी आपको देखने को मिलते हैं नए, एंड रूफ रेल्स भी आपको ब्लैक कलर की मिल जाती है विद बॉडी कलर, एंड सेंटर में आपको हुंडई की न्यू बैजिंग मिलती है। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि स्क्वायर शेप में मिलते हैं। इसके अंदर आपको ए पिलर माउंटेड ओवर बीम्स मिल जाते हैं, ब्लैक आउट बी पिलर्स मिल जाते हैं, एंड सी पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, एंड LED टेल लाइट्स मिलती है आपको ऑल ओवर। सो वैसे यहाँ पर इंजन एंड ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 1.2 का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है विद 83 BHP एंड 114 टॉर्क। सो यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ। इसमें आपको CNG ऑप्शनल किट मिल सकती है अगर आप चाहते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ ही मिलेगी आपको पेट्रोल इंजन के साथ, ये कंपनी ऑफर देती है आपको, और CNG वेरिएंट्स इसके अंदर अवेलेबल है। एंड जो CNG वेरिएंट रहेगा वो रहेगा आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ विद लोअर आउटपुट फिगर्स। हुंडई आपको ऑफर करती है 5 सीटर कॉन्फिगरेशन, एंड इसके अंदर जो वेरिएंट्स आते हैं एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड करती है, 5 ब्रॉड वेरिएंट्स है, EX, S, SX, SX ऑप्शनल एंड SX ऑप्शनल कनेक्ट, ये इसके 5 वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल होंगे। प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस जो इसका रहने वाला है वो 6 लैक्स एक्स शोरूम रहने वाला है। सो इफ़ यू कंपेयर लाइक विद द अदर कार्स जो इसके राइवल्स होने वाले हैं, जैसे कि टाटा पंच, निसान मैगनाइट, रेनॉल्ट काइगर, सिट्रोन C3 एंड मारुति फ्रॉन्क्स को भी इसका हम कंसिडर कर सकते हैं इसके राइवल्स के अंदर, तो अप्रॉक्स इसका प्राइस जो बेस मॉडल का प्राइस जाएगा वो जाएगा अराउंड 6.8 लाख समथिंग, एंड जो टॉप वेरिएंट का प्राइस रहेगा वो तो हम तभी बता पाएंगे जब ये लॉन्च होगी। फीचर्स की बात कर लेते हैं इंटीरियर फीचर्स में। इंटीरियर में आपको 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, कनेक्टेड कार फीचर्स, एंड 4.2 इंच का आपको डाइजेस्टिव ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाता है विद क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग एंड ऑटो AC के साथ। यहाँ तक कि हुंडई एक्स्ट्रा आपको कुछ लग्जरी एमिनिटीज़ भी देती है, जैसे कि सिंगल पेन सनरूफ, आपको यहाँ पर डैश कैम भी देखने को मिलता है विद ड्यूअल कैमराज, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन। यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर थीम देखने को मिलेगी, एंड जो इंटीरियर है वहाँ पर आपको डोर हैंडल्स पे भी इंटीरियर वर्क दिखाई देगा। 50-50 स्प्लिट रियर सीट्स है इसके अंदर विद हेडरेस्ट एंड अ स्मॉल फ्रंट आर्मरेस्ट जो कि आपको कप होल्डर के साथ मिल जाता है। रियर में आपको ज़्यादा लेग रूम देखने को मिल सकता है, एंड इंटीरियर में आपको स्पेशियस मिलेगा। यहाँ पर आपको जो सनरूफ मिलती है वो मिलती है वॉइस एनेबल्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, जो कि कम्प्लीटली वॉइस एनेबल्ड है। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए अगर यहाँ पर, तो सेफ्टी फीचर्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट एंड हिल असिस्ट कंट्रोल यहाँ पर फीचर आपको देखने को मिलते हैं सारे वेरिएंट्स के अंदर। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि 3-point सीट बेल्ट रिमाइंडर, ऑल सीट्स, कीलेस एंट्री यहाँ पर आपको मिलती है, ABS विद EBD, रेयर पार्किंग सेंसर्स, ESS, एंड यहाँ पर थेफ्ट अलार्म भी आपको देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ और भी आपको फीचर्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको 10 रीजनल प्लस 2 ग्लोबल लैंग्वेज देखने को मिलती है, जिसमें कि आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी एंड अदर लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग 12 लैंग्वेजेस इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाती है। ऑन बोर्ड नेविगेशन इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिलता है। कैसा वर्क करता है ये तो आपको तभी बता पाएंगे जब कार को हम लाइव देखेंगे, एंड एम्बियंट साउंड्स ऑफ नेचर आपको मिल जाती है। सो गाइस, ये थी हुंडई की SUV, कॉम्पैक्ट SUV जो कि लॉन्च होने वाली है जुलाई मंथ के अंदर। सो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड
आने वाली कौन सी कार के ऊपर या कौन सी बाइक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिए। सो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय।